Aajtak.in, edited by Tarun Verma, Cuttack, 20 December 2017. Team India और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की टीवी सीरीज का पहला मुकाबला कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 3.4 ओवर में 0 विकेट गंवाकर 29 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा 15 रन और लोकेश राहुल 14 रन क्रीज पर हैं। स्कोरबोर्ड लाइव। श्रीलंका ने जीता था टॉस। इससे पहले श्रीलंका के कप्तान थिसारा परेरा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में लोकेश राहुल और जयदेव उनादकट की वापसी हुई। वहीं श्रीलंकाई टीम में विश्वा फर्नांडो को डेब्यू का मौका मिला। परेरा ने टॉस जीतने के बाद कहा था कि हमने तीसरे वनडे मैच में अच्छी बल्लेबाजी नहीं की थी और दूसरे मैच में अच्छी गेंदबाजी नहीं की थी। अब हमें आगे बढ़ना है। हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा था कि हमने यहां साल भर पहले आखिरी मैच खेला था। वो सहम कारण होगी, लेकिन हम इस तरह की स्थितियों में कई बार खेल चुके हैं। श्रीलंका पर भारत की बढ़त 7-4। इससे पहले भी भारत ने श्रीलंका को उसके घर में ही तीनों प्रारूपों में सीरीज में मात दी थी। T20 में भारत के पास श्रीलंका पर बढ़त है। भारत ने खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में श्रीलंका के खिलाफ 7 मैच जीते हैं, जबकि 4 में उसे हार मिली है। इस मैदान पर हालांकि भारत का पिछला मैच अच्छा नहीं रहा था। 2015 में दक्षिण अफ्रीका ने उसे सिर्फ 92 रनों पर ही ढेर कर दिया था। टीम इंडिया के पास T20 रैंकिंग सुधारने का मौका। टीम इंडिया के पास श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में अपनी रैंकिंग